हाँ, भारत का एपिसोड 158 है यार। लास्ट में दिखा के जो पांडु पुत्र है उन्होंने भाई चैलेंज कर दिया है कि हम वापस आएंगे 13 वर्ष बाद और अपना जो है ना सारी संपत्ति वापस लेंगे आपसे। धृतराष्ट्र तो कांप रहा है, बोल रहा है तुमने अपने ही तरीके से हारा है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब तुम्हें सजा कबूल करनी चाहिए। बाकी जो भीम वालों ने वादे किए अर्जुन ने कि हम बदला लेंगे, तो अब उस मोमेंट का इंतजार है। बाकी अभी इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। तो प्ले करें। आया जी जी क्या हुआ सिरमपुर में? लिंगन मत तो सुभद्रा, जल जाओगी। पहले मैं अग्नि कुंभ के भीतर थी, अब मेरे भीतर एक अग्नि कुंभ चल रहा है। मैं किसी का मुख भी देखना नहीं चाहती, किसी का भी नहीं। जी, ने स्वयं को अपने कक्ष में बंदी बना लिया। दीदी ने कहा है कि वो किसी को भी अपना मुख नहीं दिखाएंगी। हमने बहुत प्रयास किया किंतु वो द्वार नहीं खोल रही है। पंचाली दूर खोलो, मुझे प्रायश्चित का अवसर दो। पंचाली द्वार खोलो। पांचाली बहुत ही विस्तृत है, नहीं नहीं अग्नि स्नान ना कर ले। जेस मुझे द्वार तोड़ने दीजिए। असंभव असंभव, मैं अपने एक प्रहार से पत्थर के दुर्ग को तोड़ सकता हूं, किंतु ये लकड़ी का द्वार क्यों नहीं टूटता? जेस ये द्वार तो पांचाली के संकल्प ने बंद किया है भ्रताश्री, और किसी पीड़ित हृदय का संकल्प तोड़ना तो दूर तोड़ने से भी कठिन होता है। ये तो पांचाली का संकल्प है भ्रताश्री। द्वार खोलो पांचाली, पांचाली द्वार खोलो। ज्येष्ठ भ्राता द्वार अब हमसे नहीं खुला, इसे केवल माधव ही खुलवा सकते।
प्रणिपात भ्राताश्री। प्रणिपात, इस समय तुम्हारे प्रणिपात का स्वीकार नहीं कर सकता मैं राजकुमार अर्जुन। जब तक द्रौपदी आप सबको क्षमा नहीं कर देती, तब तक मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। कहां है मेरी सखी? युद्ध सभा से तुरंत ही प्रस्थान कर लिया उसने और इंद्रप्रस्थ भी अकेले हमें छोड़कर। उन्होंने स्वयं को अपनी कक्ष के अंदर बंद कर लिया है भ्राताश्री। हम सब ने बहुत प्रयास किया किंतु वो कक्ष के द्वार नहीं खोल रही है। उसने तो हृदय के द्वार ही बंद कर दिए हैं सुभद्रा, कक्ष के द्वार किस प्रकार खोलेगी? मित्र वो होते हैं जो अपने हृदय की भावनाओं को बांटे। तुम्हारे हृदय की पीड़ा में मेरा भी भाग है सके। अपने भाग की पीड़ा प्राप्त करने आया हूं। चले जाइए गोविंद, मैं मलिन हो चुकी हूं, मेरे निकट आने वाला भी मैला हो जाएगा। पर विश्वास रखो सखी, नदी में स्नान करने वाला शुद्ध हो जाता है किंतु नदी उससे मैली नहीं होती। फल भोग रही
जो भी हुआ सके वो ना तुम्हारा कर्म था और ना ही किसी कर्म का फल, वो तो केवल तुम्हारे साथ हुआ एक अकस्मात था, कौरवों के पुराने कर्मों का फल था जो उनके हाथों इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ।